हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री.इन। शुरुआत करते हैं इफको एजीटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की जो वैकेंसी आई है 2020 में, उसकी यहां पे बात करेंगे। और जो लास्ट ईयर सितंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके ऊपर यहां पे पूरा ही हम आगे डिकोड करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है ये कोविड-19 ने कि कुछ र्यूमर्स थे कि आरआरबी का पेपर है वो एक्सटेंड हो गया है, या एएफओ की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या मतलब क्लर्क की वैकेंसी कम आई है तो क्लर्क की वैकेंसी भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, लगभग 1000 वैकेंसी इंक्रीज हुई है और ये लास्ट तक जब तक रिजल्ट है तब तक ये वैकेंसी है वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे एएफओ की है वो हर साल 800 के तकरीबन वैकेंसी निकलती है, लेकिन लास्ट में जाके वो लगभग 100 से लेकर 200 वैकेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप एक अप्रोक्स मान के ही चलो कि लास्ट तक वैकेंसी बढ़ती है। सो ऐसा कभी भी अपना मोरल डाउन मत करो और अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू रखिए और कोरोना से सेफ रहिए। चलिए आगे चलते हैं। इफको का शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी एग्जाम है, चाहे आईबीपीएस का है, कोई भी है, देखिए बहुत सारे र्यूमर्स हैं, इनके ऊपर कभी ध्यान मत दीजिए, अपनी स्टडी कीजिए। एग्जाम हो सकता है थोड़ा डिले हो, पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी अब नहीं है पहली बात तो, लेकिन फिर भी अगर मान के चलो डिले हो, लेकिन कैंसिल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कैंसिल कभी नहीं होगा और ये चीज कभी नहीं होगी कि आपकी जो मेहनत है वो कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। सो अपनी जो स्टडी से कंटिन्यू रखिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इफको के एग्जाम की। तो यहां पे क्या होता है कि इफको का एग्जाम वो तीन फेज में होता है, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस एंड फिर इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होता है ये आपके कंप्यूटर में, आप साइबर कैफे में, कहीं भी, जो भी आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी है आप अपने घर पे दे सकते हो। ठीक है, ये एक जस्ट एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है जो मेंस के लिए जाते हैं। उसके बाद जो इफको के सेंटर्स होते हैं ये उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को दिया हुआ है। जो मेंस एग्जाम होगा वो उनके सेंटर पे होगा, ये आपको जाके वहां पे उनके सेंटर में जाके देना पड़ेगा। और आगे आता है पर्सनल इंटरव्यू और फिर आएगा मेडिकल। चलिए, तो मेडिकल है ये लगभग एक मतलब ये मानिए कि एक फॉर्मेलिटीज ही होती है, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका लगभग सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं। पैटर्न में देखिए दो टाइप का है, एक तो है यहाँ पे एग्रीकल्चर और एक है यहाँ पे जर्नल एप्टीट्यूड। तो जर्नल एप्टीट्यूड में आगे कई सब्जेक्ट आएंगे और ये दोनों को मिला के आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। तो टाइम बेसिकली थोड़ा सा कम है अगर देखा जाए तो। तो आगे अगर देखें तो 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, जिसमें से कुछ क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन कुछ आपको यहां पे लगेगा कि कुछ क्वेश्चन टफ हैं। तो आगे चलिए, तो जनरल एप्टीट्यूड में बात करेंगे तो यहां पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, रीजनिंग की बात हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। तो ये एक मिला जुला मिला के हम इसे जनरल एप्टीट्यूड कह सकते हैं कि जनरल आपकी जो स्किल्स हैं वो कितना ज्यादा, आपका जो आईक्यू लेवल है वो क्या है। तो ये आपके 50 नंबर का यहाँ पे रोल प्ले करेगा। टेक्निकल की बात करें तो वो आता है जनरल एग्रीकल्चर जो कि 100 क्वेश्चन है। रीजनिंग की अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एनालॉजी, वर्ड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नॉर्मल वही टॉपिक है जो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम में होते हैं। आगे चलिए, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये सब यहाँ पे आप एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड जो आपका बेसिक है वो चीज यहाँ पे आप मिसलेनियस कह सकते हो, अर्थमेटिक कह सकते हो। ठीक है, ये उसका है, नॉर्मल रहता है। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे करंट अफेयर, इसका क्वेश्चन को इतना ज्यादा रोल प्ले करने वाला है नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का सिनेरियो है करंट वाला, और नेशनल इकोनॉमी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इफको के एग्जाम में, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रहने वाले हैं और कोऑपरेटिव से हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए। आगे चलते हैं, पहले शुरुआत करने से पहले ये देखेंगे कि जो इफको है ये है क्या। काफी स्टूडेंट को लगता है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट नहीं है, ये कोऑपरेटिव लिमिटेड है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि कुछ लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इफको जो है ये 1967 से काम कर रही है और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, ये मतलब बड़ी कोऑपरेटिव लिमिटेड है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, तो ये है इफको। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं, चलिए ये गुरुकुल एग्री के कोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर के मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम होते हैं उनको कवर करते हैं। यहाँ पे इफको का जो कोर्स है वो अभी लॉन्च नहीं किया गया है, अगर गुरुकुल एग्री लॉन्च करता है तो आप गुरुकुल एग्री.इन पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, या आप
3956968 4 पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो इफ्को का अभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये 3 से 4 दिन में अगर कोई लॉन्च किया जाता है तो आप यहाँ पे gurukulagiri.in पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगला पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल रिदम के प्रति जो इन्वायरमेंटल रिदम के प्रति जो लाइट एंड डार्कनेस का जो फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो ये कुछ ऑप्शन तो वैसे ही जैसे ये टोपोग्राफी है ये वैसे भी नहीं आने वाला है। फोटोटॉक्सी अगर आपका बेसिक भी क्लियर है तो भी ये वर्नलाइजेशन वैसे भी कोल्ड से रिलेटेड होता है तो वैसे भी ये नहीं आने वाला है। तो ये लाइट और डार्कनेस का बोला गया और फोटोपीरियडिज्म यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, आगे है कि रामू एक फार्मर है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कुछ फंड्स की, और ये जो पूरे पूरे फंड्स हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो इन्वेस्ट करेगा और ये अवेलेबल करवाएगा वो अदर आउटसाइड जो अदर फार्म सेक्टर है वहां से वो अवेलेबल करवाएगा। तो यहाँ पे वो क्या राइट पिक करे, सबसे पहले ऑप्किन ईटीएल ये कभी नहीं है, ये इस टर्म से रिलेटेड ही नहीं है। क्रेडिट ये वैसे नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बोल दिया है तो क्रेडिट वैसे भी नहीं क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्रेडिट आना चाहिए। और कंफ्यूजन आ गया दोनों में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर क्रेडिट। फाइनेंस इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनेंस का मतलब है कि आप लोग जो क्रेडिट उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो ये बहुत ब्रॉड टर्म है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह हर चीज मैनेज करनी पड़ेगी। और कौन सा थोड़ा थोड़ा रुपया आप कहां पे लगाओगे, तो फाइनेंस का मतलब एक थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हो जाती है। तो क्रेडिट जो है यहाँ पे डायरेक्ट उसने बोला है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लगाएगा, तो इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर क्रेडिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये है कि ये फंगस के ऊपर क्वेश्चन है, कैसे कौन सी फंगस है पैनामा प्लांट्स में जो कि उसकी रूट में अमीनो एसिड को जो है वो रिलीज करती है और बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह वो एक्ट करती है और ये नेमाटोड को कंट्रोल करती है। तो नेमाटोड को टोटली ये कंट्रोल करने वाली बायो फंगस आप कह सकते हो, बायो कंट्रोल फंगस है ये। तो इसका बेसिकली आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है वो है पेचोनिया कैलोमीडोस्पोना। कैलोमीडोस्पोना इसका राइट आंसर है। ये जो है ये देखिए यहाँ पे ग्रीन निमा फ्री यहाँ पे 1 लीटर की लगभग ये बॉटल है तो इसमें नीचे भी पेचोनिया कैलोमीडोस्पोना लिखा हुआ है। दूसरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो फंगस होती है ये निमोटोफेगस फंगस होती है। बेसिकली ये क्या करती है कि जो निमाटोड्स हैं उसमें वहां पे अपने रूट्स में अमीनो एसिड को रिलीज करती है और निमाटोड को उसके अंदर इनसाइड और बाहर से दोनों तरफ से अटैक करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है कि यहां पे ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो कौन सा ऐसा मतलब साधन नहीं है जो कि आप विच जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप यूज नहीं कर सकते। यहां पे फॉर है, ठीक है, यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे इसने पूछा है, तो यहां पे देखिए क्लीन व्हीकल, क्लीन का मतलब वैसे ग्रीनरी से आ गया, ये दोनों बेसिकली जुड़े हुए टर्म है। तो यहाँ पे एक ये दो चीज आ जाती है, एक आता है PHEV, ये क्या होता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक का नाम आते ही ये रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कैन नॉट बी स्टोर्ड यूज्ड फॉर, तो यूज नहीं किया जा सकता, और वो है नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर आपको PHEV का यहाँ पे पता है तो आप ये इजिली आंसर ऑप्ट कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस का पूछा गया है कि जो वेदरिंग प्रोसेस होती है उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो क्या मतलब सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ पे होती है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सोयल फर्टिलाइजर ये वैसे भी नहीं क्योंकि फर्टिलाइजर बाहर से दिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स अंदर से होते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन ये वैसे भी कोई लॉजिक है नहीं है। बेसिक केमिकल मटेरियल ये वैसे भी कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा प्लांट न्यूट्रिएंट। तो प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होती है वो यहाँ पे ये अच्छे से वेदरिंग में जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये रोल प्ले करती है। चलिए अगले क्वेश्चन में इकोनॉमी इन्वेस्टिगेशन का पूछा गया है कि अगर इकोनॉमिक कोई इन्वेस्टिगेशन का मेथड है, मान लीजिए कोई भी हम इकोनॉमी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस मेथड में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंडक्टिव, सबसे ज्यादा अगर अच्छा मेथड है तो वो कौन सा है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट की बात कर लें, ये समरी ये वैसे भी नहीं है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो समरी तो बाद की बात है, ये कोई लेने देने नहीं है। और ए प्रायोरिटी की बात की जाए तो ये क्या होती है, ये बेसिकली एक रीजनिंग की टर्म है।
इसमें क्या होता है कि जो रीजनिंग में जैसे कोई बिना कोई सेंस के या बिना कोई एक्सपीरियंस के हम कोई भी तथ्य लगा देते हैं, जैसे आर्गुमेंट्स वगैरह हो गए या अजम्पशन वगैरह हो गए, मतलब एक अपने मन से लगाना होता है आपको बिना कोई एक्सपीरियंस, बिना कोई रियल एक्सपीरियंस के, तो ये वैसे भी यहाँ पे इकोनॉमी में ये सूट करता ही नहीं है। इम्पिरिकल, ये बिल्कुल एप्रियोरी का उल्टा है, यहाँ पे ये टोटली ये मतलब फैक्ट के ऊपर होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी सेंस है उसका एक्सपीरियंस है उसके लॉजिक के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ भी ये बिल्कुल एक्यूरेट बेस्ट नहीं बैठ रहा है। एनालिटिकल जो है ये सबसे बेस्ट इसका राइट सूट आंसर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने इन्वेस्टिगेशन का बोला है, इन्वेस्टिगेशन का बोला है तो एनालिटिकल में सब कुछ ही आ जाता है। एनालिटिकल में होता है कि ए से जेड तक पूरा ही उसको एनालिसिस करना, आराम से बैठ के उसका पूरे फैक्ट लॉजिक तैयार करने और पूरा ही उसके बारे में एक एनालिसिस करना कि इसका राइट जो कंक्लूजन है वो क्या है। तो यहाँ पे इकोनॉमी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेस्ट मेथड होता है एनालिटिकल। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पूछा है कि मतलब कौन सा, मतलब अगर पोर्स हैं, अगर सॉइल में पोर जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और इररेगुलर साइज हैं और शेप में हैं, तो सॉइल को हम क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे स्पॉन्जी, स्पंज टाइप ये बन जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे मतलब पूरी जो कई बार एफवीएम ज्यादा होती है सॉइल में, तो वहां पे क्या है कि स्पंज टाइप वो सॉइल बन जाती है, क्योंकि वहां पे जो पोर्स हैं वो ज्यादा होते हैं और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और इररेगुलर होते हैं इन साइज में, ठीक है, और उनके कोई शेप भी है वो इररेगुलर ही होती है। तो अगर आप देखोगे कि जो कोई भी सॉइल उसमें एफवीएम ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिक एक स्पंज टाइप बन जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे स्पॉन्जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्री पर हेक्टेयर के ऊपर है कि एक स्केयर, जो स्केयर सिस्टम की बात हो रही है, तो स्केयर सिस्टम में जो नंबर ऑफ ट्री पर हेक्टेयर में कितने होंगे, अगर सपोता की करोप जो है वो उसका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो जो है प्लांटिंग डिस्टेंस है वो है 8x8। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर्स होते हैं, वो होते हैं 10,000, ठीक है, 10,000 को अगर हम 8x8 से डिवाइड करेंगे तो जितने प्लांट्स होंगे वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर इसे 8x8 करके बराबर 64 करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 156 पॉइंट समथिंग, तो इसका राइट आंसर है 156। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मेंडल के लॉ के ऊपर है, यहाँ पे बोला गया है कि द लॉ ऑफ एक्सप्रेस इटसेल्फ, कि मतलब ये कौन सा ऐसा लॉ है जो अपने आप में एक उसके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जब मतलब वाई मास्किंग द अदर एक्सप्रेशन कंप्लीटली, कि जैसे दो एलील हैं, दो जीन्स हैं या कोई भी ले सकते दो एलील्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब वो दोनों एक साथ आएंगे तो इनमें से जो एक एलील है वो दूसरे के जो एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीटली अपने आप को डोमिनेट कर लेगा और अपने ही यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाएगा। तो एक्सप्रेशन ये यहाँ पे देखिए पूरा ही ये बोला गया है कि एक्सप्रेशन कंप्लीटली, तो अपना ही मतलब वो पूरा एक्सप्रेशन दिखाएगा दूसरे के ऊपर, तो इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अगर ऑप्शन भी देखोगे फिर भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वैसे भी सूट नहीं कर रहा है, हाइब्रिड क्रॉस वैसे भी नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी वैसे भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि वो मास्किंग वर्ड यूज किया गया है। चलिए अगला इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो नेमाटोड इन्फेस्टेशन मतलब जो है उसे प्रिवेंट करने के लिए मेथड हम यूज करेंगे अगर कोई फील्ड में पहले से वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर है क्वारंटाइन। बेसिकली क्वारंटाइन इसका राइट आंसर क्यों है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट हम तब करेंगे जब उसमें निमाटोड ऑलरेडी है, फिर हम उसे हीट ट्रीटमेंट करके जो निमाटोड का जो इन्फेस्टेशन है वो हम कम करेंगे। और क्रॉप रोटेशन वैसे भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कौन सा निमाटोड प्रेजेंट है, मल्चिंग ये वैसे भी कोई सूट नहीं कर रहा है क्योंकि ये सोयल मैनेजमेंट में काम आती है, मॉइस्चर वगैरह कंजर्व करने में काम आती है, तो क्वारंटाइन इसका बेस्ट आंसर है। तो क्वारंटाइन में बेसिकली होता क्या है, जैसे आप सबको वैसे तो कोरोना में पता चल ही गया होगा कि क्वारंटाइन का मीनिंग है क्या, कि कोई भी डिजीज है उसको मतलब आप स्प्रेड होने से रोकोगे, कि न्यू एरिया जैसे कोई भी अपना घर ले लो फील्ड ले लो, इसमें जो निमाटोड वाले प्लांट्स हैं या वो सॉयल है वो इसके अंदर नहीं आएगी, इसको बिल्कुल ही आप सेपरेट कर दोगे, ठीक है, तो बाकी सभी का बचाव रखोगे कि जिस भी जैसे ये वाले फील्ड में निमाटोड्स हैं तो इस ये वाले फील्ड का ना तो कोई प्लांट और ना ही कोई सॉयल ये वाले फील्ड में आएगी। चलिए यही इसका बेस्ट जो है क्वारंटाइन इसका मेथड है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सनफ्लावर एंड बकव्हीट ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप दो में कन्फ्यूज हो सकते हो, और वो हो सकते हो ग्रीन लीफ नॉन लेग्यूम मैन्योर में और ग्रीन नॉन लेग्यूम मैन्योर में, तो इसका राइट आंसर है ग्रीन नॉन लेग्यूम मैन्योर में, क्योंकि ये लीफ में मैन्योर कोई नहीं होता है, ये टोटली मैन्योरिंग होते हैं लेकिन ये नॉन लेग्यूम होते हैं, ठीक है, लेग्यूम ये वैसे भी नहीं होते हैं,
तो ये लेग्यूम वाले तो ये दोनों ही बाहर हो गए। नॉन लेग्यूम इसमें आ गया, लेकिन सनफ्लावर बकवीट का कोई लीफ में ऐसा स्पेशल मैन्योर नहीं होता कि इसकी लीफ से ही मैन्योरिंग की जाए, तो ये ग्रीन नॉन लेग्यूम मैन्योर इसका राइट ट्रांसफर है। तो यहां पे एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन सिस्टम का बोला गया है कि जो सस्टेनेबल है, कि ऐसी कौन सी टर्म है जो लॉन्ग टर्म के लिए वो जीवित रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम में। मतलब एग्रीकल्चर अगर एक्सटेंशन है, कोई भी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो रूट लेवल तक पहुंचानी है, तो कौन सा ऐसा मेथड है या कौन सी ऐसी मतलब यहाँ पे टर्म है जो लॉन्ग टर्म तक वो जीवित रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी, वो एप्लीकेबल रहेगी। देखिए प्लॉट प्रोजेक्ट वैसे भी कोई लॉजिक नहीं है, डोनर फंडिंग वैसे भी नहीं है, एक बार मिलेगी उसके बाद हर बार कोई डोनर करे या ना करे इसका क्या लॉजिक है। और दूसरा वर्ल्ड बैंक फंडिंग, अगर वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा तो वो एक पीरियड तक करेगा और विद इंटरेस्ट तक करेगा, ठीक है। और अगर बात आते पब्लिक फंडिंग, तो पब्लिक फंडिंग में ये होता है कि पब्लिक अपने आप से फंडिंग करती रहती है, और पब्लिक हमारे पास बहुत ज्यादा होती है और वो थोड़ी थोड़ी फंडिंग करती रहती है, और ये ही एक इसका राइट मतलब जो है आंसर है। तो यहां पे एक मेथड का पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि अगर हम मतलब विदाउट ऑक्सीजन के, अगर यहां पे जनरेटिंग एंड स्टोरिंग द एनर्जी बाय बर्निंग द वुड और गार्बेज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे एब्सेंस ऑफ विदाउट ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वुड को बर्न करके, गार्बेज को बर्न करके, तो इसका राइट जो है वो एनारोबिक डाइजेशन, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपेक्स बॉडी, इंडिया में अपेक्स बॉडी मतलब जो है फॉर रिसर्च ऑफ एजुकेशन जो है वो एग्रीकल्चर में कौन सी है, तो ये मेरे ख्याल से आप सबका राइट आंसर वैसे भी होगा, जो अपेक्स बॉडी है वो है हमारा ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है, यहां पर पूछा गया प्रोडक्शन ऑफ द कॉफी, जो कॉफी पाउडर है वो मतलब अगर फ्रॉम वो कॉफी सीड से बनता है तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ द कॉफी पाउडर मतलब कॉफी पहले वो सीड था फिर उसका पाउडर बन गया, ठीक है, पाउडर बन गया तो इसका क्या है, तो ये उसकी फॉर्म यूटिलिटी हुई, मतलब उसकी फॉर्म चेंज हुई है, यूटिलिटी जो है मतलब यहां पे देखिए टाइम है, टाइम कोई चेंज नहीं हुआ है, प्लेस है, प्लेस कोई चेंज नहीं हुआ, ये नहीं यहां से यहां पहुंच गया है, पोजेशन यूटिलिटी है ये भी नहीं है, तो फॉर्म चेंज हुई है, तो इसका राइट आंसर है फॉर्म यूटिलिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कंडीशन जहां पे प्लांट अपने पोलन से ही जायगोट प्रोड्यूस ना कर पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर अपने पोलन से ही जायगोट को ना कर पाए तो सबसे पहले तो इनकम्पेटिबिलिटी वर्ड यूज होगा, तो उसका राइट आंसर है जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, वो अपने पोलन से ही जायगोट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, अनेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन ओमाटीडियम पर है, ओमाटीडियम बेसिकली होता क्या है कि ये लाइट सेंसिटिव यूनिट होती है, ये मतलब ये माने कि ऑप्टिकल यूनिट होती है, ऑप्टिकल यूनिट होती है इंसेक्ट की आई में, तो इंसेक्ट की जो आई में ऑप्टिकल यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं ओमाटोडियम, उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो लाइट सेंसिटिव होता है, तो ये पिगमेंट से ही, पिगमेंट जो सेल होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं और वो ही इसका राइट आंसर, वैसे पिगमेंट से आपको पता चल गया होगा कि पिगमेंट से होता है वो लाइट सेंसिटिव से रिलेटेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में एनुअल वीड का पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा विंटर यूज हुआ है, विंटर एनुअल वीड कौन सा है, तो विंटर यूज हुआ है, तो इसका राइट आंसर है चिनोपोडियम एल्मम। अगला क्वेश्चन है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब मेथड है वो हेल्प करेगा, रिलेशनशिप हेल्प करेगा जो कि एक प्रोड्यूसर को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि हाउ मच अ प्रोडक्ट उसे चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो उसे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए वो एक मतलब जो डिटरमाइन करने में कौन सा ऐसा रिलेशनशिप हेल्प करेगा, ठीक है, तो ये है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फैक्टर मतलब जो है उसका टोटली उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है या टोटली उसका जो फैक्टर है क्या, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बढ़ाएगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन इक्विपमेंट के ऊपर है कि यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है, देखिए क्रशर है, ग्राइंडर है, बोला गया कौन सा ऐसा मतलब इक्विपमेंट है जो कि जिसकी आउटपुट होगी उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो लेस देन 6 mm के होंगे, लेस देन 6 mm के होंगे और उसकी शेप और साइज में पूरा डिफाइन होगा और उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर। देखिए नाम से पता चल रहा है अल्ट्रा फाइन, बहुत ही ये छोटा है, बहुत ही कम है, तो ये देखिए फाइन है, लेस देन 6 mm। अगला क्वेश्चन है यहां पे है कि कौन सा ऐसा यहां पे थिंग्स है जो एग्री बिजनेस ओनर को डिसाइड करने में द कॉस्ट ऑफ सेलिंग हिज बिजनेस टू प्रोस्पेक्टिव बायर, यहां पे ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जो टोटली उसको मतलब ये होगा कि अगर एग्री बिजनेस को उसे सेल करना है, ठीक है,
तो अगर उसने पूरा एग्रीबिजनेस को सेल करना है तो कौन सी चीज को वो बायर को बोलेगा कि ये चीज को लेके वो बोलेगा कि ये चीज मेरी इतनी है, तो यहाँ पे वो बोलेगा टर्नओवर को। तो बेसिकली टर्नओवर को ही सारे बोलते हैं कि टोटली आपका फाइनेंशियल टर्नओवर कितना है, वो टर्नओवर के ऊपर ही उस बिजनेस की डिमांड, जो उस बिजनेस का जो टोटल उसकी जो उसकी वैल्यू बनेगी वो टर्नओवर के बेस ही बनेगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा लिक्विड है, इनमें से कौन सा ऐसा लिक्विड है जो क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रिजर्वेशन में यूज होगा, टेक्निक में यूज होगा। तो ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये जो होता है लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि माइनस में जो करते हैं टेम्परेचर में, उसमें टेक्निक में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थवर्म के ऊपर है कि वो अर्थवर्म कौन से होते हैं जो कि सोयल के सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, सोयल के सरफेस के नियर अबाउट ही रहते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एंडोजेइक। अगर जो एपिजेइक होते हैं ये वाले, ये मानेंगे परमानेंट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाते हैं, ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल होते नहीं है, तो ज्यादा यूजफुल जो वाले होते हैं वो होते हैं एंडोजेइक। तो ये वाले हैं जो ज्यादा यूजफुल है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला बोला गया है कि कौन सा ऐसे सर्वे है जो कि इजी है एंड एक्यूरेट है स्मॉल स्केल के ऊपर, स्मॉल स्केल के ऊपर कौन सा ऐसा सर्वे है जो इजी है और एक्यूरेट है, और उसका राइट आंसर है चैन सर्वे। चैन सर्वे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि एग्रो इंडस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट में काम आता है। देखिए सबसे पहले तो एग्रो बोला गया है, एग्रो इंडस्ट्री ऑर्गेनिक बोला गया है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे राइट आंसर है क्रॉप रेजिड्यू। अगला क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया कि पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग है जो सीड की, उसमें कौन सा ऐसा मतलब मेथड है वो यूज नहीं होता है, तो वो होता है सीड सिलेक्शन। जैसे सबको पता है थ्रेशिंग होती है, ड्राइंग होती है, ग्रेडिंग होती है, लेकिन सीड सिलेक्शन ये स्टार्टिंग ही प्रोसेस है, लास्ट में नहीं है, पोस्ट हार्वेस्टिंग में कुछ भी नहीं है ये सीड क्रॉप की। चलिए अगला क्वेश्चन बुक के राइटर के ऊपर है कि जो आई टू हैड अ ड्रीम, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये वर्गीज कुरियन, हमारे इंडिया के वाइट रेवोल्यूशन के फादर, ठीक है, और ये जो है वाइट रेवोल्यूशन का जो पूरा वाइट फ्लड आप कह सकते हो, मिल्क फ्लड, ये इनका रोल प्ले किया था, ठीक है, वर्गीज कुरियन डॉक्टर ने, तो इसके इन्होंने जो बुक लिखी थी आई टू हैड अ ड्रीम, ये वर्गीज कुरियन के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन में सीजनल पेस्ट का पूछा गया है कि इनमें से सीजनल पेस्ट है कौन सा, और उसका राइट आंसर है राइस स्टेम बोरर। चलिए आगे चलते हैं, अगले में कंपोनेंट का पूछा गया है कि फार्म पॉन्ड में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि एक्सेसिव वाटर होने पे जो वाटर है उसको बाहर निकालने में काम आए। तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज एरिया वैसे भी सूट नहीं कर रहा है, अर्थन डैम वैसे भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी स्पिलवे एंड मैकेनिकल स्पिलवे। तो इमरजेंसी तो ये हो गया कि कोई इमरजेंसी जरूरत है वो नीचे से ही हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन यहां पे बोला है एक्सेसिव वाटर, तो ऑप्शन में ही देखिए इसका है मैकेनिकल स्पिलवे, क्योंकि इमरजेंसी में यह होता है कि अगर आपका कोई पॉन्ड में बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको सारा वाटर ही निकालना पड़ेगा, तो यहां पे इसने बोला गया है कि एक्सेसिव जो वाटर है उसे निकालना है, तो ये ऊपर से हम निकालेंगे, मैकेनिकल स्पिलवे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूछा गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूछा गया, देखिए यहां पे राइट आंसर है आयरन, Fe इसका राइट आंसर है। चलिए अगला चलते हैं, अगले में जूट की फैमिली का पूछा गया, टेलिएसी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया है कि बॉडी एंड विंग कवर्ड बाय द ओवरलैपिंग स्केल फाउंड इन ऑर्डर, तो कौन से ऐसे ऑर्डर में, यहाँ पे इंसेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एंटोमोलॉजी में देखिए काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि बॉडी एंड विंग जो कवर होते हैं वो ओवरलैपिंग स्केल के द्वारा जो कवर होते हैं वो ओवरलैपिंग स्केल होता है बॉडी और विंग के ऊपर, वो कौन से ऑर्डर में होता है, तो वो होता है लेपिडोप्टेरा, इंसेक्ट में होता है, ठीक है। आगे पूछा है कि ICRICAAT कहां पे लोकेटेड है, तो यह है हैदराबाद में। तो अभी काफी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफी टफ भी थे पहले और आगे भी आएंगे। यहाँ पे बिगेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव पूछा है, यहाँ पे इफको इन इंडिया, इन इवन इन इंडिया, और ये वर्ल्ड में भी बिगेस्ट है, ठीक है, ये शुरुआत हुई थी 1967 में और ये वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे बड़ी फर्टिलाइजर की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इफको। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि मेन इंस्टीट्यूट कौन सा है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का, देन अगेन ICAR। और अगला क्वेश्चन है, यहां पे ये पूछा गया है कि इंडिया में कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर है जो मेनली मैन्युफैक्चर की जाती है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट नहीं पूछा है, ठीक है, फर्स्ट पूछा होता था SSP होता, तो यहां पे फर्स्ट नहीं पूछा, उसने मेनली पूछा है, तो मेनली कौन सी मैन्युफैक्चर होगी, तो मेनली फैक्चर जो हो रही है वो हो रही है यूरिया, ठीक है। आगे पूछा है कि स्टेम पैरासाइट जो वीड है वो अनियन में, इनमें से कौन सा ऐसा वीड है जो अनियन में स्टेम पैरासाइट वीड है,
तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, सेमी नहीं है, टोटल का पूछा हुआ। तो ये है कसकटा चाइनीज, दुदर। चलिए अगले वाले ने, ये इन्होंने मेथड का, सिस्टम का पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है ऑर्चर्ड्स का, ऑर्चर्ड लगाने का, जिसमें 15% मोर ट्री अकोमोडेट या मोर ट्री लगाए जा सकते हैं। तो वो है हेक्सागोनल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ये फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्वेश्चन है। तीन चार सब्जेक्ट यहाँ पे मेजर आए हैं, एंटो का हो गया, एग्री इकोनॉमिक्स का हो गया, ये दो तीन सब्जेक्ट बार बार, और ब्रीडिंग, ये प्लांट ब्रीडिंग हो गया, ये रिपीट बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं इनमें से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बेसिक समझिए, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एवरेज यहां पे है, अगर मार्जिनल जो दूसरा प्रोजेक्ट है, कई प्रोजेक्ट मिलके हैं यहां पे, ठीक है, वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो एवरेज प्रोजेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, ये मतलब अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी ज्यादा की जाती है, वो की जाती है प्राइस थ्योरी की। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी, ये देखिए फार्म थ्योरी, फार्म से वैसे भी रिलेटेड नहीं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी की बात हो रही है, एग्रीकल्चर माइक्रो इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, और मार्केट मैनेजमेंट ये भी अलग टर्म है, तो यहां पे राइट आंसर है प्राइस थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा कंसेप्ट ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड लेबर, क्रिस्टलाइज्ड जो लेबर है ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया कार्ल मार्क्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये बोला गया कि नेशनल इनकम जनरेटेड बाय द एग्रीकल्चर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, जो एग्रीकल्चर के द्वारा नेशनल इनकम जनरेट की जाती है वो किसके द्वारा मतलब कैलकुलेट की जाती है, और वो की जाती है आउटपुट मेथड के द्वारा, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है काफी आउटपुट आता है और उसमें ही नेशनल इनकम जो है वो देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये गिफन खुद के ऊपर है, तो बेसिकली क्वेश्चन पहले है क्या, क्वेश्चन में ये है कि इनकम अफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन, मतलब जो इनकम का जो अफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट से। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट ये है कि जैसे हमें ये प्रोडक्ट की नीड है या ये गुड्स की नीड है, तो हम इसके अलावा दूसरी गुड्स को हम यूज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन यहां पे ये बोला है कि यहां पे इनकम अफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, मतलब हमें अगर इसकी नीड है तो हम इसी को यूज करेंगे, तो इसे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे गिफन गुड। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें अनियन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अनियन के जगह पे हम और तो यूज कर नहीं सकते, तो अनियन का प्राइस जितना भी बढ़ जाए हमें वो अनियन खरीदना ही पड़ेगा, यहां पे इनकम अफेक्ट होता है। ठीक है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर सकते उसका, तो इसे हम बोलेंगे गिफन गुड। इस टाइप से ये वाली गिफन गुड्स होते हैं, ये प्राइस का हम ये मानेंगे पूरा पूरा प्राइस बढ़ जाए, लेकिन ये जो है इनकी डिमांड है ये उतनी ही बढ़ती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये बोला गया है कि टोटल प्रोडक्ट का बोला गया है, ध्यान दीजिएगा पहले एवरेज प्रोडक्ट की बात हुई थी, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हुई थी, अभी बात हो रही है टोटल प्रोडक्ट की, कि अगर टोटल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट रह रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, वो जीरो ही होगा। अगर वो कांस्टेंट है तो, अगर टोटल प्रोडक्ट जीरो रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। चलिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम पूछा गया है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट फूड मैन्युफैक्चर बाय द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूट्रिएंट इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम, तो एमजी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड द फ्लूमूल जो डिवेल्प होते हैं ये किससे होते हैं, ये होते हैं एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो से मेनली तीन चीज होते हैं, एक होता है फ्लूमूल और दूसरा रेडिकल एंड द हाइपोकोटाइल, ये तीन चीज यहाँ पे, ये तीन चीज यहाँ पे एम्ब्रियो इन तीन चीज से मिलके बना होता है। इंडिया में जो अपेक्स वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, मतलब किस टाइप के इंस्टीट्यूट, किस टाइप के लेवल के लिए अपेक्स वर्ड यूज कर, वैसे तो अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, जैसे अपेक्स बॉडी बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोल देते हैं, ये सबसे सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अपेक्स जो वर्ड होता है वो नेशनल लेवल के लिए ही यूज होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक सुप्रीम है। ठीक है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेज देखिए नेशनल, उम्मीद करूंगा ये तो वैसे भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन निम्माटोड के ऊपर है, निम्माटोड के ऊपर शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये, तो ये पूछा गया है कि जो निम्माटोड है वो मतलब ब्लैक हेड डिजीज कॉज करता है, ब्लैक हेड डिजीज कॉज करता है बनाना क्रॉप में, तो कौन सा ऐसा निम्माटोड है, वो है रोडोफोलस सिमली। मूंग की वैरायटी पूछी गई है PDM11 किसकी वैरायटी है, और ये है मूंग की वैरायटी, तो हर टाइप का क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इफको में। सीड ट्रीटमेंट विद द केमिकल, तो
तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सी ट्रीटमेंट विद द केमिकल कहां पे करेंगे। देखिए इसके ऑप्शन में देखिए, क्या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जेनेटिक इंप्रूवमेंट में तो सी ट्रीटमेंट वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिकल तो वो बिल्कुल ही जेनेटिकली एक टर्म चली गई, ठीक है, और आगे नन ऑफ दीज, तो ये पॉसिबिलिटी वैसे भी कम है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट सिलेक्शन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम प्लांट की सिलेक्शन करनी है तो उस टाइम पे हम सी ट्रीटमेंट करेंगे कि अच्छे प्लांट चाहिए होंगे, जैसे हमें पूरे पूरी उसकी प्रोसेस चाहिए, अच्छी पैदावार चाहिए, तो उस टाइम पे हम सी ट्रीटमेंट करेंगे। टर्म मिटोसिस का पूछा गया कि किसके द्वारा कॉइन की गई, किसके द्वारा बनेगी, तो ये है हमारा डब्ल्यू फ्लेमिंग। आगे पूछा गया है कि आगे जो है इनमें प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है उसमें पूछा है कि कौन सा मेथड प्रोटोप्लास्ट कल्चर में यूज होता है, तो ये होता है हैंगिंग ड्रॉपलेट। तो हैंगिंग ड्रॉपलेट ये यहां पे मेथड यूज होता है। अगले क्वेश्चन में इसने वीड ग्रास की फैमिली पूछी है, वीड ग्रास जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो करता है पोएसी से, ठीक है। ये वैसे भी आप सबको पता ही होगा, क्योंकि अगर बात की जाए कि मतलब वीड ग्रास की, वीड ग्रास काफी इंपोर्टेंट है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब थिंग्स है जो कि पूरी की पूरी जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है इन बिजनेस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में जो बिजनेस है उसमें से हमारे पास कैश की कितनी अवेलेबिलिटी है वो हमें पता चलेगा। तो देखिए पे कैश कभी नहीं आएगा, एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ये बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये तो लास्ट में आएगा, अवेलेबिलिटी कितनी है वो मैटर करेगी, ठीक है। देखिए एनुअल टर्नओवर ये भी कुछ नहीं है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें ये होता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें पूरा जो कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है, वो पूरा ही, क्योंकि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर है टोटल वो हिसाब देखना, लेकिन बैलेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोला गया कि एक फार्मर है वो दो कोई इनपुट रिसोर्सेज को यूज कर रहा है एक गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर एनी डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वन इनपुट यूनिट टू लीड द इंक्रीज ऑफ द अदर इनपुट विच यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब टू द इनपुट रिसोर्सेज। तो यहां पे बेसिकली ये बोला गया है कि दो इनपुट्स हैं एक फार्मर के पास, अगर ये इनपुट डिक्रीज होती है तो ये वाली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले को इनपुट रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर यह बोल दोगे आप कि अगर जैसे दो इनपुट की आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कि कोई भी इनपुट में ये ले सकते हो, आप सीड ले सकते हो या जैसे फर्टिलाइजर ले सकते हो, एक उसके पास फर्टिलाइजर है एक उसके पास FYM है ना, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर फर्टिलाइजर कम हो गए, फर्टिलाइजर कम हो गए माइनस में चल गए, उसके पास है नहीं है, तो वो FYM को इनक्रीज कर रहा है, तो यहां पर इस इनपुट रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स बोलेंगे कि दोनों एक साथ यूज होंगे, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यहां पे से बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है ये फिर फार्म फाइनेंस रिलेटेड है, पहले बोला फार्म फाइनेंस जो है ये काफी एक ब्रॉड टर्म है अपने आप में, तो इसमें पूछा गया कि फार्म फाइनेंस में जो प्रिंसिपल कौन सा ऐसा यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें देखिए कैपिटल जो टोटल हमारे पास रुपया कितना है वो भी पता होना चाहिए फार्म फाइनेंस में, हमारी कैपेसिटी कितनी है हम क्या कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए, करेक्टर हम कैसे कर रहे हैं हमारा करेक्टर क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, तीनों ही यहां पे राइट है। कैलिबर, तो कैलिबर यहां पे कोई सूट कर नहीं रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहां पे नॉट का पूछा गया है। चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि ये कौन सा ऐसा मटेरियल है जो वाइडली यूज होता है कोटिंग करने में, आयरन में, स्टील पाइप्स में, ठीक है, जो कि अवॉइड कोरोशन के लिए ज्यादा यूज होता है जंग वगैरह लग जाने के लिए। नॉर्मली आपने घर पे भी देखा होगा जंगाल, जिसे हम जंग बोलते हैं, लोहे के ऊपर लग जाती है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयरन और स्टील के ऊपर, तो ये जो है ये करते हैं पेंट और एसिंस। तो पेंट बेसिकली यहां पे यूज होता है, और पेंट यहां पे किसी में भी रिपीटिव नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक आपने क्वेश्चन को देख लिया तो इसका राइट आंसर ऑप्ट कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूछा है कि ठीक है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब जो है प्लांट है या मतलब मेथड है जो यूज होता है ऑर्गेनिक फार्म टू प्रिवेंट द वीड जर्मिनेशन, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीड को जर्मिनेशन करने में और वीड की ग्रोथ होने को रोकता है, प्रिवेंट करता है, मतलब होने नहीं देगा, तो इसका राइट आंसर है मल्चिंग। मल्चिंग से क्या होता है कि जो वीड है वो अपना जर्मिनेशन नहीं कर पाता। अगले क्वेश्चन में उसने डिजीज का पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो पोल्यूटेड वाटर और अनसैनिटरी, जो कि बिल्कुल सैनिटाइज नहीं है कंडीशन में, जिससे होता है, जैसे फिल्टर वगैरह वाटर नहीं है, पोल्यूटेड वाटर एक ही चीज है ये, तो ठीक है, उससे मतलब क्या है कि उससे होने वाली डिजीज नहीं है,
तो मलेरिया बेसिकली उससे होती है, फ्लोरोसिस बेसिकली उससे होती है, कलोरा बेसिकली उससे होती है। तो हेपेटाइटिस, ये बेसिकली हेपेटाइटिस होता क्या है कि ये जो हमारी लीवर होता है उसकी सूजन आ जाती है, वो बिल्कुल इन्फ्लेम कर जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। इंस्ट्रूमेंट का पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टिंटोमीटर के ऊपर, मतलब जो टिंटोमीटर है ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो टिंटोमीटर बेसिकली वाटर वगैरह, या मतलब ये मानिए कि जो कलर वगैरह है उसकी उसको देखने, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये मेजर ऑफ द कलर इन द वाटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब दो सेल का फ्यूजन होता है, दो सेल मिलते हैं ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं साइनागैमी। तो यहां पे ये बोला है कि जो साइनागैमी है वो मतलब जो कौन से जाइगोट से मिलके बनती है, कौन से जाइगोट से बनते हैं। तो जाइगोट बेसिकली क्या होता है, जब दो गैमीट मिलते हैं ठीक है, उसे हम बोलेंगे जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट का पूछा गया, कौन से जाइगोट की फॉर्मेशन से ठीक है जो साइनागैमी बनती है। तो ये इसका राइट आंसर है डिप्लॉइड। चलिए आगे है प्लांट पैरासाइट हेमाटोड के ऊपर, ये फिर क्वेश्चन आ गया है ठीक है। फीड ऑन द रूट जो पूछा है, ये पूछा है कि प्लांट पैरासाइटिक हेमाटोड फीड ऑन डैश द लेवल ऑफ प्लांट। तो कौन से पार्ट के ऊपर हेमाटोड जो है फीड करता है, तो ये करता है रूट के ऊपर। ये तो क्वेश्चन वैसे भी आपका सही होना चाहिए। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, जब नाइट्रोजन हम ज्यादा दे देते हैं तो सॉइल इकोसिस्टम में होता क्या है ठीक है, नाइट्रोजन एक्सेसिव देने पे। तो यहाँ पे देखिए सोयल डीके बिल्कुल भी नहीं होगी ज्यादा देने से ठीक है, सोयल का एसिडिफिकेशन वैसे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस सोयल रेजिड्यू ये वैसे भी नहीं होने वाला, माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रिस्ट्रक्टिव जो क्रॉप है उसका पूछा गया है कि वो क्रॉप जो जैसे लेग्यूम्स वगैरह होती है, जो पूरा का पूरा सोयल मैनेजमेंट में, सोयल का इरोजन कम करने में जो क्रॉप्स काम आती हैं ठीक है, ले क्रॉप्स होगी, उसका पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है लेग्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे एसेट्स हैं ठीक है जो इंश्योरेंस के अंदर नहीं आते हैं, कि जैसे अगर हमने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भी कराई तो कौन सा एसेट इसके अंदर नहीं आएगा। देखिए मशीन है बिल्कुल आएगा, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल आएंगे, क्रॉप ऑफ सम एक्सटेंट ये भी आ रही है, मैन पावर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैन पावर इंश्योरेंस में नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर की इंश्योरेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पैरासाइट ऊपर है, इनमें से कौन सा ऐसा पैरासाइट नहीं है। तो बेसिकली फंजी, निमाटोड, प्रोटोजोआ ये सब पैरासाइट होते हैं, ये अपना जो फूड है ये किसी और प्लांट से या रूट से या कहीं से भी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो एंथ्रोपोड्स जो हमारे इंसेक्ट वगैरह हो गए, आंट्स वगैरह हो गए, ये सब एंथ्रोपोड्स होते हैं। तो एंथ्रोपोड्स जो है ये पैरासाइट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है ऑर्गेनिक मैन्योर को बनाने का। तो यहाँ पे बेसिकली वर्ड यूज हुआ कंसेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। तो कंसेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर बेसिकली होता क्या है, ये जो होता है ये मानिए कि जो हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, जो हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो सबसे ज्यादा किसमें है, जो बल्कि और जैसे बाकी सभी क्या है, बल्कि सभी जो है वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो ये कम एरिया में, कम क्वांटिटी में ये ज्यादा हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू इस कौन से ऑर्गेनिक मैन्योर में, बेस्ट एग्जांपल कौन सा कंसेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। तो अगर ऑर्गेनिक मैन्योर का होता तो शायद ये चारों होते ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसेंट्रेट का यूज किया गया। तो कंसेंट्रेट का मतलब ये यहाँ पे है जो ऑयल केक है, ऑयल केक इज द राइट आंसर, क्योंकि कम टाइम सॉरी कम क्वांटिटी में ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू होना ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट जहां पे ट्रू फ्लावर्स होते हैं विद द स्टैमन क्रिस्टल और बोथ विद द सीड कंटेनिंग एन एम्ब्रियो। तो जो यहाँ पे एम्ब्रियो भी होता है सभी सीड में, पिस्टल में और ये सभी में जो है स्टैमन से सब होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम गाइमनोस्पोमी। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये पूछा गया है कि 90s लेट के बाद, जो 90 के दशक के बाद मतलब जो प्रोग्राम चलाए गए, लॉन्च किए गए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा रिफॉर्म्स करने के लिए, पब्लिक सेक्टर को एक्सटेंशन सिस्टम में लाने के लिए ठीक है, तो कौन सा है, वो है नार्स ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेमोटिक एम्ब्रियो के ऊपर है कि सेमोटिक एम्ब्रियो जो है वो जनरेट प्लांट्स कॉल्ड एज क्लोन। देखिए नाम से पता चल रहा है कि सोमोटिक जो सोमेटिक एम्ब्रियो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हुए एम्ब्रियो जो है वो जनरेट प्लांट, उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्लोन्स। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो क्रोमोजोम मॉडल जो प्रपोज किया गया था, बनाया गया था डुप्रॉक के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द ह्यूमन क्रोमोजोम। तो ह्यूमन क्रोमोजोम को ऑब्जर्व करके
जो दुपरोव ने क्रोमोसोम मॉडल बनाया था उसे हम क्या कहते हैं, उस मॉडल का नाम क्या है? तो उसका है फोल्डेड फाइबर, FF. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मैन्योर कलेक्टिंग मेथड. यहां पर मैन्योर कलेक्टिंग करने का मेथड नहीं है, इनके ऑप्शन में देखिएगा. देखिए, यूज कैटल शेड विद द कच्चा फ्लोर, बिल्कुल है, कच्चा फ्लोर को हम कैटल शेड में यूज करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये तो मैन्योर कलेक्टिंग का मेथड है. ड्राई अर्थ सिस्टम, देखिएगा ड्राई, इसको थोड़ा सा भी होल्ड पे कर दीजिएगा, ड्राई अर्थ सिस्टम, ठीक है, ड्राई अर्थ सिस्टम. लूज बॉक्स सिस्टम, बिल्कुल है. यूज कैटल शेड विद द फ्रीमियबल फ्लोर ऑफ द कलेक्टिंग यूरिन, ये भी है. अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर कोल्ड अर्थ सिस्टम होता ना तो ये राइट आंसर हो, तो ये होता, लेकिन यहां पे नॉट पूछा गया तो यहां पे उन्होंने कोल्ड हटा के यहां पे लग गया ड्राई, तो ये इसका राइट आंसर है. ये सिस्टम नहीं होता है मैन्योर कलेक्ट करने के लिए, ड्राई अर्थ सिस्टम मतलब जहां पे कोई अर्थ है वो बिल्कुल ड्राई है, वो बिल्कुल हॉट में, बिल्कुल सूरज में रखी हुई है, वहां पे अगर हम मैन्योर कलेक्ट करेंगे तो वैसे भी सब मॉइस्चर वगैरह उसमें रहेगा नहीं, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तो वो वहां पे मैन्योर नहीं बन पाएगी, तो ड्राई अर्थ सिस्टम. चलिए आगे चलते हैं. आगे यहाँ पे FYM का पूरा नाम पूछा गया है, ये टर्म में पूरा इसे FYM किसको डिनोट करते हैं, तो ये है हमारी फार्म यार्ड मैन्योर. चलिए अगले क्वेश्चन में इसने ये पूछा गया है कि जो इंप्लीमेंट्स हैं, इंप्लीमेंटिंग, जो पूरा कौन सी ऐसी यहाँ पे हम टर्म को डिनोट करेंगे जो कि पेस्ट की पॉपुलेशन को ETL लेवल, ये इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल पे पहुंचने से पहले जो हमें किस टर्म को हम इंप्लीमेंट करेंगे ताकि उससे वो प्रिवेंट, उससे रुक जाए, वो ये लेवल पे ना पहुंचे, तो इसे हम बोलेंगे डैमेज बाउंड्री. ठीक है, डैमेज बाउंड्री IEL और ETL के बीच की चीज है. अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर है कि जो एक्सचेंजेबल एसिडिटी है इन द सॉयल, वो केमिस्ट्री में कौन सी यहां पे स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ठीक है, एक्सचेंजेबल एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी का पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो एक्सचेंजेबल एसिडिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सचेंजेबल AL3 कटायंस. ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, AL3 प्लस कटायंस के ऊपर. ये जो है ये एल्यूमिनियम कटायंस होते हैं जो कि एसिडिटी एक्सचेंजेबल के लिए ये डिपेंड करते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेथड ऑफ द सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉइल की मैनेजमेंट करनी है लेकिन कौन सा मेथड इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसमें काफी नॉट वाले क्वेश्चन आए हैं इफको में. ठीक है, क्लीन कल्टिवेशन बिल्कुल करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्लीन कल्टिवेशन ये सॉइल मैनेजमेंट में यूज होता है. अगर बात करेंगे सॉड की बात करेंगे तो ये भी बिल्कुल यूज होता है. सॉड बेसिकली क्या होता है कि मॉइस्चर वगैरह कंजर्व करने में यूज होते हैं. सॉइल कल्चर की बात कर लो, ठीक है, सॉइल मल्चिंग की बात कर लो, इसमें क्या होता है कि जैसे सॉड में ये होता है कि जैसे कोई भी सॉइल है उसका नीचे मॉइस्चर वगैरह या वीड को भी रोकने में ये काम आती है. ये न्यू टर्म है इसमें कि जैसे पूरा ही ये ग्रास वगैरह की लेयर बन गई और बाद में उसे यहाँ पे ले लिया, उठा लिया उसे. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे यूज होता है. क्लीन कल्चर विद कवर क्रॉप, ये बेसिकली ये तो कॉमन सेंस है. तो मॉविंग, मॉविंग में क्या होता है कि जो ग्रास है उसको हम कट करके उसकी एक पूरी की पूरी मतलब एक हम बाइंड कर देते हैं, ये होगा मॉविंग. ये ग्रास की कटिंग की टर्म में यहाँ पे मॉविंग यूज होता है, मॉवर अगर आपने नाम सुना होगा तो एक इंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मॉविंग. चलिए अगला क्वेश्चन है बायोगैस के ऊपर है कि बायोगैस में कौन सी ऐसी गैस है जो कि 0 से लेकर 1% में जिसकी कंपोजिशन वैल्यू होती है और वो होती है N2. अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच माउथ पार्ट इन द इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट के माउथ पार्ट पे भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, जो इनिशियली यूज शॉक द लिक्विड एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सब ग्रुप. तो जहां पे जो फूड है उसको वो ब्रेक करने में, लिक्विड को सब करने में यहाँ पे काम आता है, तो वो माउथ पार्ट को क्या कहते हैं इंसेक्ट के. तो वो माउथ पार्ट के देखिए यहाँ पे अगर हम उसको ब्रेक डाउन भी हो रहा है, अगर स्पॉन्जी की बात करोगे तो वहां पे ब्रेक डाउन नहीं होगा अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो. ठीक है, तो ये जो है ये है हमारे हाउस टिलेटी. ठीक है, ये इसका राइट आंसर है. चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल यहाँ पे ये पूछा गया कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो जो है वो मतलब अगेंस्ट या हार्मफुल अफेक्ट करती है कौन सी क्रॉप के ऊपर, कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो कौन सी क्रॉप के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होगा, तो वो होता है मेज के ऊपर. चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे जाने शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पेपर है इफको का ये मेमोरी बेस्ड है पहली बात, तो
ठीक है, और ये पूरा पेपर नहीं है, इसमें से कुछ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से लिए गए हैं और ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो चलिए, जो एग्जाम से बाहर आता है और मेमोरी बेस से मतलब जो याद रखा जाता है वो ये पेपर है। तो ये इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इफको में किस लेवल का पेपर आता है। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट जो है वो यूज ऑफ द क्लैश फ्लो बजट। तो यहाँ पे जो इंडिकेट करता है वो क्लैश फ्लो बजट में कौन सा मतलब ऑप्शन ऐसा है वो यूज हो रहा है। तो इसके ऑप्शन को अगर आप देखोगे, ऑप्शन को देखोगे तो ये कैलकुलेट बिजनेस इक्विटी, कि जो बिजनेस की टोटल जो इक्विटी है उसको कैलकुलेट करने में यहाँ पे काम आता है, इंडिकेट करता है कितना जो है वो जो यहाँ पे कैश है वो फ्लो बजट यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो इकोनॉमी कंसर्न विद। तो यहाँ पे माइक्रो जो इकोनॉमी है, अगर मैक्रो हो तो बड़े लेवल पे चलेगी, लेकिन माइक्रो का पूछा गया है तो वो किसके ऊपर कंसर्न करेगी। एम्प्लॉयमेंट है ये हमारी मैक्रो के ऊपर डिपेंड करती है, माइक्रो के ऊपर नहीं करती है। इनकम ये मैक्रो के ऊपर करती है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन ये भी मैक्रो के अंदर आ गई, तो इसका राइट आंसर जो हुआ वो कंज्यूमर बिहेवियर। तो जो छोटी छोटी इकोनॉमी, हर इंसान की जो इकोनॉमी है वो होती है माइक्रो इकोनॉमी, जो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है इसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमी। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट रीजन फॉर द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला है राइट रीजन पूछा पहली बार, तो राइट रीजन का ध्यान रखिएगा। तो जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, कम ज्यादा होता है, वो एक राइट रीजन यहाँ पे नहीं है। तो लैक ऑफ स्टोरेज बिल्कुल रीजन है, क्योंकि अगर स्टोरेज नहीं है तो क्या होता है कि एक बार तो जब फसल का टाइम आता है उस टाइम पे प्राइस बहुत कम हो जाता है, और जब वो मतलब सीजन नहीं होता है तो उस टाइम पे उस चीज का जो रेट है वो ज्यादा हो जाता है, तो ये फ्लक्चुएट कर रही है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक ही बात है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कि लैक ऑफ द कम्युनिकेट ऑन द फैसिलिटेट, इसको थोड़ा आप होल्ड पे रख दीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पे उसने कम्युनिकेट का बोला है, ठीक है। और दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। देखिए डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर तो बिल्कुल करेंगे यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस में, क्योंकि किस चीज का कितनी डिमांड है और किस चीज की कितनी सप्लाई है, ये चीज जो है ये फैक्टर है, ये आप सबको पता है कि अगर किसी चीज की डिमांड आज ज्यादा है, ठीक है, और उसका प्राइस क्या है वो ज्यादा होगा, अगर उसकी डिमांड कम होगी उसका प्राइस कम होगा, तो ये तो फ्लक्चुएट बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे राइट रीजन का पूछा है, तो यहाँ पे ये जो है लैक ऑफ द कम्युनिकेट ऑन द फैसिलिटेट, ये जो है ये इसका राइट रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना ज्यादा कम्युनिकेट और फैसिलिटेट में इतना ज्यादा है नहीं है, ठीक है, कि जो मतलब बिल्कुल आप राइट कह सको, क्योंकि यही एक रीजन है प्राइस का फ्लक्चुएशन होने में, तो आप स्ट्रेस नहीं दे सकते इसके ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन टिलेज के ऊपर है, कि कौन सा ऐसा टिलेज है जो कि हम इमीडिएटली करते हैं आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग करने के बाद, और वीड को रिमूव करने के लिए और क्रॉप की जो स्ट्रक्चर से रिस्टोर करने के लिए जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टबल टिलर्स। तो उसका राइट आंसर है स्टबल। चलिए स्टबल टिलेज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो इंसेक्ट के एंटीने के ऊपर है, कि इनमें से कौन सी ऐसी एंटीने की वैरायटी है जो कि फिल्मी फॉर्म जो एंटीने होते हैं उसकी कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि कॉम्ब लाइक जिसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ये लॉन्ग ऑन वन साइडेड होती है, पूरे के पूरे एक वन साइडेड में लॉन्ग होती है और कॉम्ब लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कौन सी वैरायटी है। तो इसका जो है वो है पेक्टिनेट। इसमें ये जैसे हमारे साफ लाई हो गई, जो वसप्स हो गए, बीटल्स हो गए, उसमें जो एंटीनेस पाए जाते हैं वो कॉम्ब लाइक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एंटोमोलॉजी से इंसेक्ट टाइप के क्वेश्चन काफी आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिक फॉर्मेशन है वो हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर है कोल्ड ड्राई रॉक। ठीक है, हॉट ड्राई होता तो इसका राइट आंसर होता, क्योंकि ये जियोथर्मल सिस्टम में यूज होती है जो हॉट ड्राई रॉक होती है, लेकिन कोल्ड ड्राई रॉक का ये यूज नहीं होगी। यहाँ पे जीई प्रेशराइज लिखा है, ये जो होते हैं ये आप जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर होते हैं ये वो होते हैं, इसमें क्या होता है ये टोटल न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह है वो इसके काम आते हैं, ये न्यू टर्म है। ठीक है, मेगमा आप सब वाकिफ हो गए, और हाइड्रोथर्मल मेरे ख्याल से आप सब इसमें वाकिफ हो गए कि इन सब से इलेक्ट्रिसिटी या हीट यहाँ पे जनरेट होती ही होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, ये भी एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, कि वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे पूछा गया परफेक्टली इन इलास्टिसिक डिमांड का पूछा गया, इनका पूछा गया है, इन इलास्टिसिटी पूछा गया तो होगा जीरो। अगर यहां पे उल्टा पूछा होता, यहां पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का पूछा होता, या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का पूछा तो होता इन्फिनिटी, तो होता यहां पे इन्फिनिटी। चलिए तो यहां इसका इन इलास्टिक का पूछा है तो जीरो होगा, अगर इसका उल्टा होता तो इन्फिनिटी होता।
अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट का पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसी स्टेटमेंट जो एप्रोप्रिएट है, ठीक है, बिल्कुल सही है इंसेक्ट की लेग में, कि जो द प्रीटेटस इन द इंसेक्ट लेग, जो बिल्कुल उसे रिगार्ड कर रही है ये बिल्कुल वहां पे एप्रोप्रिएट है। तो ये है पुलवी। यहाँ पे पुलवी बेसिकली होता क्या है कि जो इंसेक्ट के एडहेसिव पैड होते हैं, जो उसके लेग में नीचे वाले बिल्कुल एडहेसिव पैड होते हैं, उसके पेयर को हम पुलवी बोलते हैं, उसके पेयर को हम बोलेंगे पुलवी। तो ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी देखो, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ अ कंज्यूमर परचेज वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस ड्यू टू द प्राइस चेंज ऑफ द रिलेटेड गुड, तो यहाँ पे अगर कोई कंज्यूमर है वो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, अगर कंज्यूमर है वो परचेज करता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, और सर्विस करता है ड्यू टू द प्राइस चेंज इन द रिलेटेड गुड। देखिए सेम गुड है, रिलेटेड बोला है, दो गुड्स है, अगर इसका प्राइस ज्यादा हो गया है लेकिन इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, ठीक है, हम इसको परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ब्रेड है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे ब्राउन ब्रेड है ये मान लीजिए, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे व्हाइट ब्रेड है, तो दो टाइप के ब्रेड हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि अगर ब्राउन ब्रेड का प्राइस ज्यादा हो गया है तो वो ये वाले को, ये वाली जो क्वांटिटी है इस वाली को, गुड्स को, सर्विस को वो ज्यादा करता है, इसको ज्यादा करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे क्रॉस डिमांड, कि इस चीज के जो बिल्कुल क्रॉस है, ये बिल्कुल एक दूसरे क्रॉस है, तो इसकी डिमांड है वो ज्यादा हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे एंटीबायोटिक कंपोनेंट का पूछा गया, इन कॉर्न लीफ अफेक्ट द यूरोपियन कॉर्न बोर्न, तो यहां पे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक कंपोनेंट है इन कॉर्न लीफ में जो कि अफेक्ट करता है यूरोपियन कॉर्न बोरर को, ठीक है, तो जो कॉर्न की जो लीव्स हैं उसमें जो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, तो वो है DIMBO, डिम्बो, ये जो है, ये देखिए जो ग्लोसोपोल है ये वैसे भी नहीं है, माइट और एफिड ये वैसे भी नहीं आने वाले, तो उसने कॉर्न की लीफ में पूछा है, इन कॉर्न लीफ का कंपोनेंट पूछा है एंटीबायोटिक। तो ये ऑप्शन में देखिए, ये तो दो वैसे भी इंसेक्ट है, ये तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं, ये हमारा वैसे भी इससे कोई कॉर्न से रिलेटेड है नहीं है, इसका राइट आंसर जो है वो डिम्बो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड टू हैंडल निमाटोड इन्फेस्टेशन इनटू न्यू एरिया, ये जो है मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है केमिकल कंट्रोल, ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, नहीं तो इसका राइट आंसर है केमिकल कंट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे नॉन पीसीआर मॉलिक्यूल मार्कर पूछा गया, मार्कर बेसिकली मॉलिक्यूल मार्कर बेसिकली होते हैं, ये जेनेटिकल मार्कर होते हैं जो कि डीएनए का जो सीक्वेंस है उसकी वो फिजिकल लोकेशन कैसी है क्रोमोसोम में, ठीक है, उसके ऊपर ये पूरे के पूरे जेनेटिकल मार्कर होते हैं। तो यहाँ पे पीसीआर के बोला नॉन पीसीआर मार्कर कौन सा है, देखिए आर एफ एल पी, ये एल एफ पी, ये सब पीसीआर वाले हो गए, सॉरी ये जो है आर ए डी पी, ठीक है, और ये एल एफ पी पीसीआर वाले हो गए, और इसका राइट आंसर है आर एफ एल पी। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा है शायद लास्ट क्वेश्चन है, वो ऑर्गेनिक कार्बन इज अ मेजर ऑफ, तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो किसका मेजरमेंट है, और इसका राइट आंसर है अवेलेबल नाइट्रोजन इन सोयल, सीएन रेशो का आपने सुना होगा, ठीक है, वो अवेलेबिलिटी कितनी नाइट्रोजन की इन सोयल उससे पता चल जाता है। तो चलिए इसी के साथ ये जो इफको का पूरा पेपर है जिसमें रीजनिंग और बाकी क्वेश्चन बाकी है अभी जो है मिले नहीं है, तो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया गया था और ये मेमोरी बेस्ड पेपर था। Thank you so much. God bless you all.